जीडीए ने पहली बार 200 करोड़ से अधिक की कमाई की है, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जीडीए ने पहली बार सबसे ज्यादा 200 करोड़ रुपए अर्जित किया है तथा उम्मीद है कि यह आंकड़ा मार्च तक और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो आय अर्जित हुआ था वह 157 करोड़ रुपए था, जिसका रिकॉर्ड पहले ही 200 करोड़ रुपए आय अर्जित करके तोड़ा जा चुका है, जिसका लक्ष्य 31 मार्च तक रखा गया था। उन्होंने कहा कि अभी भी 2 महीने हमारे पास हैं, जिसमें और ज्यादा आय जमा होगा। उन्होंने कहा कि जीडीए द्वारा कैंप लगाकर नागरिकों का काम कराना शुरू हुआ है, जिसमें लोगों के पहले से चले आए समस्याएं थी, जिस पर लोगों के साथ बैठकर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जिससे जीडीए की कार्यशैली सुधरी है और लोगों के अंदर जीडीए की इमेज अच्छी हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, जीडीए की आमदनी 2 करोड़। देखिए, बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि प्रथम बार जीडीए ने अपने पूरे इतिहास में 200 करोड़ का आय अर्जित किया है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। जो इससे पहले रिकॉर्ड था वो 159 करोड़ का था, तो ऑलरेडी उस रिकॉर्ड को हम लोगों ने तोड़ दिया था और 200 करोड़ हम लोग का प्रयास था 31 मार्च तक करने का, वो हम लोगों ने अभी कर लिया है। तो अभी हमारे पास 2 महीने बचे हुए हैं, फरवरी और मार्च का महीना, उसमें और भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे कैंप लगाकर लोगों का कार्य करना शुरू किया था, जो भी लोगों के पेंडिंग इश्यूज़ थे, जो जीडीए के पेंडिंग इश्यूज़ थे, उसको मीटिंग करके लोगों को बुला के लोगों का साथ बैठ के ये प्रयास किया था। तो उसका फल ये निकला कि लोगों के बीच में हमारी जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण की इमेज अच्छी हुई, लोगों ने अपना काम यहाँ पे कराया, काम कराने में जो शुल्क लगता है उसको जमा किया, उसी के फलस्वरूप ये नतीजा निकला है। इसके लिए मैं गोरखपुर के विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेहनत करके इसको अचीव किया है। साथ ही मैं गोरखपुर के सभी लोगों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपका कोई भी कार्य हो गोरखपुर विकास प्राधिकरण में, आप यहाँ पे निसंकोच अपना कार्य लेके आ सकते हैं, हम लोगों में से किसी से भी मिल सकते हैं, अपना काम करा सकते हैं। उम्मीद है कि जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण शहर के लिए कार्य कर रहा है वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और आगे भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि और अच्छे से कार्य करें। धन्यवाद।